बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में 27 साल बाद 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। कोर्ट ने फैसले के वक्त आडवाणी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को मौजूद रहने को कहा। प्याज की कीमतों में आग लगने के बावजूद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की केंद्र सरकार को चिट्ठी, निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने की मांग। संसद में लगातार दूसरे दिन टीएमसी का केंद्र सरकार पर हमला, सांसद डेरेक ओब्रायन बोले कहीं पीएम केयर्स फंड ना बन जाए केयरलेस फंड। पठानकोट में क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदार की हत्या की गुत्थी सुलझी, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को सुरेश रैना ने धन्यवाद कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माना कि चीनी सैनिक आंतरिक क्षेत्र में आए, लेकिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले पिछले 6 महीने में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कर्नाटक के गृह मंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोमई कोरोना पॉजिटिव हुए। सेरम इंस्टीट्यूट फिर से शुरू कर सकेगा कोरोना वैक्सीन के ट्रायल, डीजीसीए ने दी इजाजत। और शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद योशीहिडे सुगा बने जापान के नए प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई।